This conference Yes. will now be recorded. गुड। मंडे को बच्चों पार्टी आपका टेस्ट होगा, ठीक है? सो संडे को मंडे नहीं, मंडे को मैंने चेंज किया थोड़ा सा पैटर्न ना, उसको क्लास के उस पे लेके आया मंडे, ताकि संडे को आप एंजॉय कर सको ऑल ऑफ यू। खैर रिले कर दूंगा, तो इट विल बी ऑनलाइन, आप घर पे बैठ के करोगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा बेटा, है ना? यस सर। यू विल गेट एवरीथिंग इन रिकॉर्डिंग। सर ड्यूरेशन क्या होगी सर टेस्ट की? ड्यूरेशन बेटे मैंने 30 क्वेश्चंस रखे हैं और 1 आवर दिया है, और सब कुछ पढ़ना जैसे मैंने आपको अभी करवाया था ना, ये सारा कुछ, तो यस सर। उसको कुछ आपने पूरा करना है, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने सेंड किए थे। और क्लास नोट्स, एवरीवन प्लीज लिसन, क्लास नोट्स आर गोइंग टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैं नजर आ रहा हूं मुझे? यस सर। ये पीरियोडिक टेबल देखा अंशुल, कैसा सा है? वो देखो, हाइड्रोजन की जगह पे उसने क्या दिखाया हुआ है, यूनिवर्स। तो इनके जो ओर्स होती है ना, वो दिखा रखे हैं। अब देखो सिल्वर की जगह पे क्या दिखा रखा है, कॉइन, कॉपर कॉइन। ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज दिस। और ये सारे देखो 99 आइंस्टीनियम एलिमेंट है, और ये जो 92 है ना, आज के दिन में आप पढ़ेंगे 92 के बाद ये जितने भी हैं, दीज आर सिंथेटिक और मैन मेड। आज करेंगे, चैप्टर विल बी कंपैरेटिवली काफी इजी। दो एलिमेंट और होंगे, ये टेक्नीशियम और प्रोमीथियम। ये टेक्नीशियम अभी कुछ मैं बीच में करवाऊंगा, एंड प्रोमीथियम यू विल सी कि दीज आर आल्सो मैन मेड। मैन मेड समझते हैं कौन से होते हैं? जो इंसान बनाता है, अनुवंश। यस। रोहित कैसा है? उत्कर्ष कैसा है बेटे? सर जिनके ऊपर ये लोगों लोग साइन बढ़िया मैन मेड है, ये जो येलो येलो लगा है, इनके ज्यादातर रेडियो एक्टिव है। ये जो येलो लगा है ना, दीज आर रेडियो एक्टिव। ये देख, फ्रांसियम, रेडियम, ये सब पे। और आप देखेंगे जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, तो ये नीचे रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कब बनता था आपको तो हल्का सा अंदाजा है, जब प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं है, कुछ एक्सेप्शन हमारे अलग होते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी, है ना? यस। चलो, और तैयारी कैसी चल रही है बेटे? उत्कर्ष, हेलो उत्कर्ष। हेलो सर, ठीक चल रही है। मन लगा के पढ़ बेटे, है ना? बहुत अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का, तो जिंदगी में शायद पैसे कमाने के मौके तो बहुत आए उत्कर्ष, कभी कभार लॉटरी लग जाती है ना? आप मे बी एवरीवन, आप कोई उल्टा सीधे काम करके भी आप अमीर बन सकते हैं, बट बेटा नाम कमाने का है ना, इज्जत कमाने का, इसके लिए आपको बहुत कम समय मिलता है। सो दैट इज द एजुकेशन विच कैन डू टू यू। और पता है एक ऑरा, पता है क्या होता है अनुवंश? ऑरा सुना हुआ है? AURA, आमोदनी, ऑरा। व्हाट इज ऑरा? जैसे आप पिक्चर में भगवान की फोटो देखते होंगे या किसी रिलीजियस लीडर की फोटो देखते होंगे, वो उनके सिर के आसपास ना वो एक गोला सा बना देते हैं। सो दैट इज अमोदनी, द ऑरा इज लाइक टुमारो यू आर गोइंग टू बी अ गुड साइंटिस्ट, यू टुमारो यू आर गोइंग टू बी अ गुड सर्जन, यू आर गोइंग टू बी अ गुड इंजीनियर, यू आर गोइंग टू बी अ गुड IAS अफसर, यू आर गोइंग टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। तो आपका ऑरा आपके वहां जाने से पहले पहुंच जाता है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको इज्जत और आपको प्यार करना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज जो इस वक्त जो काम चल रहा है ना, अग्रिप, आप एजुकेशन में से वो कमा सकते हैं बेटे। सो दिस इज एजुकेशन एंड यू पीपल आर स्मार्ट। अब आप कोई 6-7 के बच्चे नहीं हो, नाउ दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर, 2 ईयर्स यू हैव टू परफॉर्म। तो आप कोई अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे, रदर मैं प्रोफेशनल कॉलेज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा टीचर आपको मिलेगा 2 साल के बाद, जब आप अंडर ग्रेजुएशन में जाएंगे, देन योर लाइफ विल बी मेड। और वो टीचर डेफिनेटली, अगर इंडिया में रहना है तो आपको सरकारी कॉलेजेस में मिलेगा, बस किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, राइट? सो यू ऑल ऑफ यू हैव टू कम्पीट फॉर द बेस्ट
सरकारी कॉलेज, ये नहीं कह रहा हूं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट इसलिए कह रहा हूं कि द बेस्ट टीचर जिनके बाल सफेद हुए होंगे अपने एक्सपीरियंस से, वो आपको बेस्ट प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ेंगे। सो बेटे दिस इज एक ऐसी बड़ी आराम से चलने वाली लड़ाई है, आप लोग अगर इसको ना टेंशन लेके पढ़े ना तो आप ज्यादा अच्छा कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके हमेशा आगे खड़ा रहूंगा, आपको रास्ता दिखाता रहूंगा, बट आपको मुझे फॉलो करना होगा। जैसे इस वक्त एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 का मैं मंडे को टेस्ट लूंगा, तो आप लोगों को चाहिए कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को तब तक रगड़ें जब तक आपको पता है ना हमने क्या ढंग आपको बताया था, अमोदनी याद है ना। अब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी करूंगा, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप अपनी ऑब्जेक्टिव बुक में से एटॉमिक स्ट्रक्चर को ढंग से करेंगे। और बिटिया जब तू इसको खूब बार कर लेगी ना, प्लस 2 में जो बाकी के लोग टेंशन में होंगे तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होगी, बिकॉज तुमने उसको ढंग से किया होगा, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो बी मोटिवेटेड, बी स्मार्ट, बी हार्ड वर्कर एंड लिसनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को सुनो। चलो बच्चा बाटी, लेट्स स्टार्ट। हाँ बोलो सर, यहाँ पर जो ये पिक्चर्स में जो चीजें सर बनाई हुई है सर, ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है? ये मिनरल्स है बेटे, ज्यादातर इनके मिनरल्स है। जैसे इसकी जो बेरिलियम होगा वो ऐसा नजर आता होगा, मिनरल जब धरती में से निकालता है या उसकी कोई कॉमन चीज बनाई हुई है। तो जैसे सर, क्लोरीन और ब्रोमियम पे क्या है? ये जो क्लोरीन और ब्रोमियम, इनके में ना ये कलर्ड होते हैं, तो इनमें से जब आप लाइट पास करते हैं ना, ये बड़ा हेलोजन, हेलो का मतलब ही कलर्स होता है, तो हेलोजन आर कलर कॉसिंग, तो इनके लिए अलग अलग कलर दिखाया गया है, ये आपका इंटरेस्ट। और ये जो फोटो में बनाई गई है ना, ये किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, ऐसे हैं बेटे। जैसे ये है तो कोई ना कोई दिखा रहा है कि ये एक्सरेज में यूज होगा, मोलिब्डेनम किसी प्रकार के मेटल में अलॉय में यूज होता होगा, इस प्रकार की बिटिया कोशिश कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का क्रिस्टल जब हम धरती से निकालते हैं तो ऐसा लिखता है, सिर्फ एक डिफरेंट रूप देने की बात की है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो अग्रिम आप अक्सर देखते हैं ना, ये वाला तो बेटे, तो ये वाला आपको सिर्फ एक अलग सी चीज में लाया था कि कैसे आपको देखना है। बैठ के देखिएगा, ऐसे कोई निष्कर्ष मत निकाल, यू अंडरस्टैंड। टिन जैसे दिखाया गया है, इसके घोड़े के जो घोड़े के ऊपर जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं अमोदनी, सीट जो होती है सर, सैडल, जॉकी। तो सैडल के अंदर जो चीजें लगती हैं वो टिन के अंदर लगती होंगी। तो ऐसा लेड के देखो, हमारे घरों में जो पानी के जो चीजें होती हैं, लेड की पाइप्स बनती है क्योंकि। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये देखिए आप लोगों को करवाया था 112 UUB, समझ पा रहा है ग्रिप? उन बाइप्स। सो इससे कोई रिजल्ट मत निकालना हो, है ना बेटे, बस इसको बैठ के देखना कि क्या चीज है। देखो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पीरियोडिक टेबल एक इमेजिन कीजिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इसमें जो हल्के एलिमेंट है हम उनको टॉप पे रखते हैं, जिनका भार ज्यादा है, इट इज अ प्रिजन, प्रिजन समझते हो, इट्स अ जेल, जो भारी कैदी है उनको हमने नीचे की तरफ रखा हुआ है, जो हल्के कैदी है जिनका मास कम है उसको ऊपर वाली बिल्डिंग में रखा हुआ है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। चले बच्चो, सूर्य जो 105 वो कौन सा था? 105 यहाँ पे आया कहीं, 105 इधर। हाँ बोलो सर, ये क्या बना हुआ है? ये रेडियो एक्टिव का साइन आ रहा है ना, जो येलो आ रहे हैं सर, इसकी पिक्चर में क्या बना हुआ है? इसकी पिक्चर में मुझे भी नहीं पता यार, डॉबरनियम को हिस्ट्री होगी, सी बोर्गियम, काफियों को तो मैं देख पाता हूँ, मैं जानता हूँ, पर बाकियों को, काफियों को मैं नहीं भी जाता हूँ। ठीक, तो मैंने कहा इससे कोई निष्कर्ष मत निकालना, यू अंडरस्टैंड, निष्कर्ष मत निकालना। यस, तो इट इज जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट दैट यू शुड वॉच, बट अदरवाइज प्लीज, आपसे कोई टेस्ट नहीं लेने वाले हैं, बट हाँ काफियों के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना राजा, तो जरूरत पड़ी तो उनको जानते हैं। वैसे इजंट इट अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट टेबल, बट वी वर सेइंग अर्लियर, शुरू करते हैं। सुनो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपकी एक बड़ी प्यारी सी बुक होगी जिसको हम एनसीईआरटी बोलते हैं, है ना, बड़ी प्यारी सी बुक है। प्यारी सी इसलिए कि आप जितना मर्जी पढ़ेंगे, जब आप लास्ट रिवीजन करेंगे आप इस बुक में करेंगे, तो एनसीईआरटी के गाय की फर्स्ट फ्यू पेजेस बिटिया उसको रीड करिएगा।
आरओ का मतलब रीड ओनली लाइक अ नॉलेज लाइक अ नॉवल एंड आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिस्ट्री जस्ट यू हैव टू रीड इट. एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर. सो 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट थे, 1865 में 63 हो गए, आज के दिन में हमें 118 एलिमेंट्स, आपने जो नोबल गैस हमें बताई थी उन है ना ऑक्टियम. यस सर. सो दैट हैज बीन नेम्ड. ऑफ देम रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड. बताऊंगा तेरे को 92 के बाद जितने भी होंगे मैन मेड आएंगे. हम इंसान कोशिश कर रहे हैं नए एलिमेंट्स बनाने की, बनाते हैं, बट वो सारे के सारे कुदरत भी बड़ी मेहनत कर रहा है. वो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का समझता है, वो हम बना के रखते हैं और वो टूट जाते हैं, डीकम्पोज कर जाते हैं. तो गुड़िया ये चीज आपकी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ने वाले हैं एंड इट विल बी बेस्ट. आप अगर आप कहां से पढ़ेंगे इसको, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. ठीक, शायद आपने वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव शायद सुना हो. प्लीज मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने इससे 50 टाइम्स आगे चल जाना है. सारे गा मा पा धा नी, सात नोट्स आते हैं ना, जो आठवां नोट आता है वो पहले की रेपिटेशन होती है. तो ऐसे ही ये कहता था 1 2 3 4 5 6 7, सातवें के बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा दैट इज सोडियम, वो पहले का रेपिटेशन होगा. बेरिलियम मैग्नीशियम रेपिटेशन होगा. तो इसने काफी अच्छी कोशिश की थी बट इसकी कुछ कमियां हुई थी. व्हाई आई एम स्किपिंग इट, क्योंकि दिस इज टू इजी. इट इज समथिंग लाइक कि मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब जी कब आए थे, क्या हुआ था, कैसा हुआ था. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मी और यू. बट एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी एंड रीड फ्यू पेजेस. जहां पे समझने वाली बात आएगी उसको मैं आपसे पहले संभाल लूंगा. ठीक है जी, क्योंकि दिस इज अ हिस्ट्री. आई वॉन्ट यू पीपल टू गो फॉर दैट. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, गायकी से बात कर रहा हूं इस वक्त. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गायकी हमने देखा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. बढ़िया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना. और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड बनाएगा, बेस बनाएगा, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. दैट इज अगर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड. सिर्फ दिमाग खोलना शुरू करें, कोई याद नहीं करेगा. अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 11 12 एंड सो ऑन करें, तो हम देखेंगे कि बड़ी हमें यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी आ रही थी वो सिमिलर थी, यहाँ पे जो आ रही थी वो सिमिलर थी. अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज, मैं आपको नए सिस्टम में लेके जाऊंगा. एवरीबॉडी प्लीज लिसन, देयर इज छोटी सी प्रोबेबिलिटी है मे बी 0.5% की, वो पुराने सिस्टम में इसको 1A इसको 2A गायकी देख पा रहा है. यस सर. 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A इसको बोलता था, और इसको बोलता था बढ़िया 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B. ध्यान से देख ये कौन सा है, 8B 8B 3R फिकोनी, राइट. वो पुराना सिस्टम था. इसके बाद देख आपने तो कहां से शुरू किया था, 3B से, ये 1B और 2B. दिस इज द ओल्ड सिस्टम. आई रिक्वेस्ट यू दैट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स यू शुड ऑल्सो राइट पीरियोडिक टेबल में ये वाला पैटर्न. ये पुराना सिस्टम है, हम तो आज के दिन में 1 2 3 4 5 6 से लेके 18 तक यूज करेंगे. बट व्हेन आई हैव वॉर्न्ड यू, यू मस्ट रीड इट. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जरूर बेटा, एक दो बार अपनी हाथ से बना लेना. यस सर. पुराना सिस्टम था. हाय सिद्धार्थ, गुड. सिद्धार्थ माइक चला आज, तो सिद्धार्थ बात करेगा. तो सिद्धार्थ, जो हमारा नया टेबल आएगा उसमें बेटे जो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. जबकि आप लोगों ने शायद इससे पहले जो हमारा था
उसमें हमारे पास तो दिस इज गोइंग टू बी सिद्धार्थ अनम्यूट कर बेटे, तो डिस्टर्बेंस आ रही है तो नहीं ठीक है अब ठीक है, तो उससे पहले था सो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, अभी मेरा प्रॉपर काम शुरू नहीं हुआ है, अब मेरा नया काम प्रॉपर काम शुरू हो गया है, जिस हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं दैट इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर मेरे पास 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप हैं। अंशुमन याद करने का तरीका बेटे, द हॉरिजॉन्टल आर पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल्स आर पीरियड, हॉर्स पावर से याद रखना। हमारे पास कितने पीरियड्स होते हैं? द 7 पीरियड्स, और हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। एंड वर्टिकल आर द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में जो आप नया सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम हिंदू अरेबिक नंबर के मुताबिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्टिकल ग्रुप्स आते हैं। अब अनन्या प्रभाकर जी मेरे से बात करिए, आपको हमने होमवर्क दिया था बेटे कि आपको एक एक ग्रुप को मुझे सुनाना है ना अनन्या? तो मुझे पहला ग्रुप सुनाएगा गुड़िया? टेस्ट नहीं है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सर आता है एक मिनट। हाँ मुझे पता है। बीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बीडियम, फ्रांसियम। ये वाली स्पीड आएगी गुड़िया आपकी 4-5 दिन के बाद, ठीक है? तो यस अन्या अरोड़ा, विल यू ट्राई ग्रुप नंबर 2 गुड़िया मेरी वाली स्पीड से? बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम। आपकी क्या बताऊं, मैं भी यहाँ नीचे आके भूल जाता था अन्या, तो मैंने ऐसे याद किया था SBR, पर मैं बड़ी तेजी से सो जाता हूँ, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ पे आके पूरे पीरियड टेबल, मुझे सारा पीरियड टेबल याद है, बट यहाँ पे आके मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, तो मैंने अपने मन के अंदर किसी को नहीं बताता हूँ SBR, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। उत्कर्ष पिपेट, ग्रुप नंबर 1 के मेंबर सुना जल्दी। अच्छी तरह नहीं आता उत्कर्ष, मैं आपकी बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद करता हूं, तो ये विश्वास कभी ना टूटे मेरे बच्चे, ठीक? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू अर्न, ऑल ऑफ यू इन द फ्यूचर टाइम। यू नो अगर फेथ टूटता है सो दैट इज नॉट गुड, एंड इट इज गोइंग टू बी सेल्फ स्टैंडर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, नेवर एवर डू इट। अगर आप एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेंगे तो इस वक्त आप एक माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, देयर इज नो रिलीजन वाइज मैं माँ सरस्वती की बात कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज है, ये आप ऐसा मान के करो कि आपकी एक जिद्दी बड़ी बहन है, तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये माफ कर देती है, बट अगर आप इनके साथ बदतमीजी करते हैं तो बेटे ये पटक के मारती है, और ऐसा पटक के मारती है कि सारी जिंदगी आप अफसोस करते रहते हैं, ये आपको कभी खड़े नहीं होने देंगी। सो ऑल ऑफ यू राइट, एजुकेशन मतलब ऑनेस्टी, द जॉब डन इज जॉब, हो गया। अमोदनी, नेवर एवर दिस शुड हैपन विद एनी ऑफ यू। अमोदनी ग्रुप नंबर 1 के मेंबर बता। अमोदनी मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ बेटे, अगर ये तैयार हुआ वी विल बी द बेस्ट राइट, अगर ये याद नहीं हुआ तो वी विल बी ट्रबल्ड। ग्रुप नंबर 1 के मेंबर सुना बेटे, एवरी वन प्लीज रिमेंबर दिस विल हैपन टिल अगला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी ओवर। And suno, you are not doing it, Utkarsh. This is being recorded. Everyone, please. Recorded का मतलब पता है ना? कि आपके parents को मैं कभी भी बता सकता हूँ कि देखो मैंने काम किया था, आपने काम नहीं किया था. So please don't let it happen. Okay, Utkarsh ji. No need to say sorry, but this is first and last time that you have not done the job. Amodini, group number 1 suna gudiya. Sir.
लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रॉन्शियम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी बिलीव इन ऑनेस्टी. जब मैं आपको कह रहा हूं तो आप किसी सोर्स से पढ़ के नहीं बता रहे हैं, है ना. जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनको कहीं से देख लेने दो, बट आप लोग एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, सो यू शुड नॉट फॉरगेट. एंड ऑल ऑफ यू साक्षी साक्षी ओजा बिटिया, मेरे बगैर कहे आज 1 and 2 हो गया, कल मुझे 3 or 13 and 14 चाहिए. आई हैव सर्टन लॉजिक्स दैट व्हाई आई एम कॉलिंग यू टू रिमेम्बर 1 and 2, 13 to 18 मुझे इनकी जरूरत नहीं है, राइट. प्लस 2 तक मुझे इनकी जरूरत नहीं है. सो प्लीज डोंट लेट इट गो आउट ऑफ योर माइंड. चलिए शुरू करते हैं. टू बी प्रिसाइज, मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी अब शुरू होता है. सी, हम लोगों ने चुग एक काम किया था, दैट इज नोन एज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक, आई एम सॉरी, द ऑफ बाउ प्रिंसिपल ओनली है. कैसे चुग? देखना, आपको याद है कि आपने जब ऑफबाउ प्रिंसिपल किया था तो आपको बताया गया था दिस वाज द ऑर्डर. ओए अनुवंश कहाँ गया, इसका तो माइक हमेशा काम करता है. तो दिस इज गोइंग टू बी द एस ब्लॉक जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. दिस इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ एस सबशन एंड ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड यू पीपल have the p subshell being filled. p subshell mein kitne electron aate hain? The 6. s mein kitne aate hain? 2. to pehle period ke andar sirf kya bharta tha? s. s ke andar kitne electron aa sakte hain? 1s1 1s2 2s1 2s2 6s1 6s2. to pehle ke andar aapke paas kitne element aa sakte hain bachcho? sirf 2. ab dusre ke andar अंशुल बात करेगा, आपके पास कौन से सबशेल फिल होते हैं बड़े? 2s and 2p. तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन. तो कनोजिया हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं? 8. पहले में कितने आ सकते हैं? 2. दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8. वी विल सी 1000 टाइम्स. सी द पीरियड नंबर 1 विल बी हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स. कौन सा? हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसमें क्या भरेगा? 1s1. इसमें क्या भरेगा? 1s2. अब ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 में, बेटा मेरी लैंग्वेज अगर गड़बड़ कर जाए तो समझ आना है ना, हॉरिजॉन्टल आता पीरियड, वर्टिकल आता ग्रुप. इसमें 2s1 2s2, इसमें 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6. देखो हमने एलिमेंट को ऑफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक हमने उसको रीअरेंज कर दिया. अब थर्ड पीरियड के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट भरते हैं? अभी आपके पास फिर दोबारा कौन से एलिमेंट भरते हैं? दिस इज गोइंग टू बी 3s एंड 3p6. फिर दोबारा कितने एलिमेंट आएंगे अंशुल? 8. फोर्थ में डू यू रिमेंबर 3d वाज फिल्ड? तो अब 2, 6 पहले ही थे 8 और 10 आगे, बेटा कितने आगे? 18 एलिमेंट आगे. फिफ्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से शेल भरते हैं? द 5s 4d एंड 5d6. तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स मैक्सिमम डाल सकता है? 18. और सिक्स्थ पीरियड से हमारा 4f सबशेल भरना शुरू हो जाता था. तो अगर 14 ऐड कर देगा तो कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 2. और अगर 7th को देखेगा दैट विल बी हैविंग द सेम. इन फिगर्स को अंशुल इज नोन एज मैजिक नंबर्स. व्हाट आर मैजिक नंबर? 2, 8, 8 दो बार, 18, 18 दो बार. वी विल बी यूजिंग इट मेनी टाइम्स एंड 32. ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड. डू यू अंडरस्टैंड अंशुल? सो पीरियोडिक इज गोइंग टू हैव, देखो वो मैच करेगा. पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीजे में 8, फोर्थ में 18. वाई 18? क्योंकि ये 3d1 से लेके 3d10 भर गया. फिफ्थ में 18, और
असुलन 6th में होने चाहिए थे, 14 यहां पे, तो अगर 14 आता तो आप अंदाजा करिए आपका जो पेरिटेबल यहां पे एंड हो रहा है, ये जितनी ये लेंथ है ये इससे राइट की तरफ एक्सटेंड हो जाता। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उन्होंने चीज को आसान की, उन्होंने यहां से एफ ब्लॉक को उठाया और नीचे रख दिया। कोई और लॉजिक नहीं था, सिर्फ एक ही लॉजिक था कि साइड वाइज एक्सपेंशन को रोकने के लिए, सो दैट इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन वन स्क्रीन, वन पेपर। दैट इज व्हाई वी हैव एक्सक्लूडेड द एफ ब्लॉक फ्रॉम द मेन बॉडी एंड दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर द पीरियोडिक टेबल। तो उनको हमने बाहर निकाल के रख लिया है। तो यहां पे बेटे कितने आएंगे, 32, यहां पे कितने आएंगे, 32। समझ पा रहा है साक्षी? मैं आपसे बात करना चाहूंगा, राइट साक्षी? तो साक्षी एक क्वेश्चन बनाता हूं बेटे, है साक्षी मेरे साथ करवाएगा? साक्षी हो जा, दोनों साक्षी बात कर सकती हैं। यस साक्षी बात करेगा गुड़िया? हेलो साक्षी, आज क्या हो रहा है मेरे बच्चों का, माइक क्यों नहीं काम कर रहा? जस्टिफाई, अनवंश ने अनम्यूट किया है, अनवंश बात कर मेरे से। जस्टिफाई दैट देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड। एक बार मैं करवाता हूं बेटे, अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक? एक बार मैं समझा रहा हूं कि मुझे कैसी वर्डिंग चाहिए। आप कहेंगे द फोर्थ पीरियड इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ पोरस 4P एंड द एस सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ टू electrons. P can accommodate 10. P can accommodate maximum of 6. तो मैंने गलती कर दी बेटे, अभी ठीक कर रहा हूँ, thank you. 6 electron, thank you बेटे. Therefore, total of 18 elements in increasing order of what atomic number can be what accommodated. Please add few words during this. समझा है अनुवंश? अब आपसे पूछ रहा हूं, आपके सामने है, just your mind is going to accept it. My question is, ध्यान से सुन, बिल्कुल आसान है, वैसा ही है। Justify that sixth period can accommodate 15 element maximum. उसी लैंग्वेज में जवाब दे जैसे मैंने सिखाया था। Sixth period. So sixth period involves the filling of 6s, 4f, 5d, 6p. 6s contains 2 electrons, 4f contains 14 electrons, and the 5d contains 10 electrons. 6p contains 6 electrons. Add word s orbital can accommodate maximum of 2, f can accommodate maximum of 14. हालांकि बिल्कुल ठीक बोला, मुझे समझ आया, 100% मार्क्स आ रही है। स्कूल की टीचर यार वैरायटी अलग होती है, सच में। आप अगर कॉमा भी गलत डाल लोगे तो इन टीचर को वहां पे भी आपके मार्क्स काट देंगे। दोबारा बोल। 6 पीरियड कैन अकोमोडेट 6 पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 6s 4a 5d 6p s सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन s सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स f सबशेल 4 d सबशेल 10 एंड p सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन्स सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी दैट कैन बी अकोमोडेटेड एट 32। ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मैं इसकी बार बार बात करूंगा बिकॉज दिस इज द पीरियोडिक टेबल। गुड, तो अमोदनी से बात करता हूं, नहीं देवांशी से बात करता हूं। चल देवांशी मैं से बात कर भी लिया। देवांशी राइट, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। द पी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड? यस देवांशी, second, you're right, second। कपूर चल आपसे बात करते हैं। कपूर, the d block starts from which
period. Yes, Fourth. Kapoor? Very Fourth. Right. बिल्कुल ठीक बेटा. और तुली, the F block starts from sixth. ओ मैंने ही बोल दिया, सॉरी तेरा क्वेश्चन मैं ही ले गया, जैसे कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा. द एफ ब्लॉक फ्रॉम सिक्स्थ पीरियड. समझा क्या पुत्र? यस हां जी. तो चल अभी आसान चीज में से निकल रहा, अभी तो मजेदार चीज तो भी चैप्टर की शुरू हो गई, अभी तो इजी चीज है बेटे. व्हाट डू मेरे साथ रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ the properties of element. देखो, I'm a chemist, right? I don't believe in, मतलब जो अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, मैं कभी गोमूत्र नहीं पीने वाला हूँ, but at the same time, I believe in nature. तो आप अगर माने ना माने, I'm a scientist, right? So I have been trained for that. I take things another way. आप में से अगर किसी का zodiac sign Aries है, Taurus है, maybe Gemini है, maybe Capricorn है, maybe Sagi है, आप माने या आप ना माने, आपकी कुछ properties आपस में match करती ही करती है. For example, आप में से, please not to be quoted, it's an unofficial thing, आप में से कुछ लोग Aquarian होंगे, right? Aquarian क्या लोग हैं? Aquarian आप देखेंगे जितने सारे कामयाब लोग हैं, उनमें से ज्यादातर कामयाब लोग Aquarian होंगे. But don't get excited. At the same time, the data says mental asylum में जितने सारे लोग हैं, उसमें से ज़्यादा Aquarius हैं. आप में से कुछ लोग Leo होंगे, right? Leo are born leader, right? इनको जितना मक्खन लगा के आप काम कर सकते हो, काम कर सकते हो. They were great leaders of the world, or king or empress. They were Leo. So there is a repetition of properties after certain regular interval. So human beings ne thodi bahut hi akal laga ke, main nahi keh raha hu ki main future mein dekh sakta hu. Nobody can see into the future jitni meri knowledge hai. But yes, agar hum aapko date of birth ki mutabik agar hum segregate karte hain, to hum aapki 100 mein se 2 5 15 properties to hum similar bana sakte hain. Aise hi tuli, jab humne elements ko इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में सेट किया, तो गुड़िया हमने देखा कि कुछ इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज, माइंड माय वर्ड, सिमिलर होनी शुरू हो गई. लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी. सेम नहीं यूज करना, सेम का मतलब होता 100% सेम, सिमिलर का मतलब हो सकता है मे बी 90 सेम और मे बी 10 सेम, है ना. बेरिलियम कैल्शियम की काफी प्रॉपर्टी सिमिलर पाई गई, इसकी प्रॉपर्टी सेम पाई गई, इनकी प्रॉपर्टी सेम पाई गई. प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना इज नोन एज, तुली मैडम, द पीरियडिसिटी. बाय पीरियडिसिटी याद नहीं करना बिटिया, राइट? एवरीबॉडी प्लीज, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, यू शुड रीड इट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, यू शुड रीड फ्रॉम टू बुक्स एंड देन यू शुड एड योर ओन वर्ड्स. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग साइंस. एंड मे बी अदर चीज भी ऐसे ही होगी जिनको मैं नहीं जानता हूं. By periodicity, we mean repetition of physical and chemical property. Budiya, chemistry is a language of abbreviation. So Punjab police will signify physical properties. And Chandigarh police will signify chemical properties throughout the syllabus. Right? And it is not to be written in your school notes, school test. It is to be written in your class notes. Jab hum chota kar rahe the. Theek? Okay, of sir. After certain regular intervals of atomic number. For example, group number one element ki similar chemical and physical property pai gai hai. Ye sare ke sare jaisi hawa mein rakhte ho, ye badi jaldi se aag pakadte hain. Ye sare ke sare base banate hain. Right? Beryllium, magnesium, calcium, strontium hawa mein utni tezi se react nahi karte hain, but ye pani ke sare react karke sare ke sare base banate hain. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर आपको कहीं दिखे तो अपनी स्किन से दूर रखना. रदर फ्लोरीन को तो जहां देखो आपकी टांगों में जितना भी दम है उससे ज्यादा तेजी से भाग लेना. सेम इज विद क्लोरीन. ये गैसेस आपको कभी माफ नहीं करेंगी. अगर ये हमारे लंग्स में चली गई, ये वहां वहां पे जाके जलाएंगी कि कोई डॉक्टर भी सोच नहीं पाएगा कि हुआ क्या है. भाग लेना, दिस इज देयर स्वभाव है. ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है, ये सारे के सारे बहुत रिएक्टिव हैं. ये ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है,
अगर आप इसको स्किन पे रखे तो ये आपकी स्किन को घोलता हुआ नीचे से बाहर आ जाएगा. इट्स हाईली क्रोसिव लिक्विड, तो इसकी वजह से हम इसको बड़े ध्यान से हैंडल करते हैं. आयोडीन काफी शान स्वभाव की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जेब में रख के घूमो. ये आपकी स्किन पे आते ही ये उसके ऊपर स्किन को खराब करना शुरू कर देती है. थोड़ी क्वांटिटी में हम इसको टिंचर ऑफ आयोडीन या हम इसको एंटीसेप्टिक यूज करते हैं. ये वाले सारी स्वभाव से मोक्ष की प्राप्ति को चली गई है. यू अंडरस्टैंड मोक्ष, जीवन मरण के चक्र हो गई है. दे do not react, right? They do not react and they are called as noble gases or inert gases. ये जो हैं आपके जो नीचे element पड़े हुए हैं, ये सारे ही बड़े अजीब प्रकार से behave करते हैं, right? इनका behavior similar सा पाया गया है. ये आपस में एक बड़ी अच्छी team बना के रहते हैं. लंथेनम के साथ, सीरियम के साथ, समेरियम के साथ, यूरोपियम चिपका ही रहता है. हम इनको इनर अर्थ मेटल या मिस्ट मेटल का नाम देते हैं. ये जो आपके पास आएंगे, ये वाले, इनका स्वभाव एक प्रकार का पाया गया है. इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है, ये बड़े कम होल्डिंग फोर्स रखते हैं. मरकरी बेचारा तो शर्म से लिक्विड ही बन गया है. ये जो नीचे जाके एलिमेंट्स आएंगे, इनको हम नोबल मेटल्स का नाम देते हैं. इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है. अब अगर आप हर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश करेंगे तो वी आर इन ट्रबल. देयरफॉर ऑफ क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल वाज फेल्ट. देयरफॉर एज अ टीचर मैं तुम्हें तंग करता रहूंगा जब तक तुम मुझे ग्रुप के एलिमेंट टॉप टू बॉटम विदाउट एनी निमोनिक सुनाते ना रहो. मुझे सिर्फ ये और ये, क्योंकि अगर आपने बोरोन ग्रुप के मेंबर याद कर लिए तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी. अगर आपने ऑक्सीजन ग्रुप के मेंबर याद कर लिए तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी बेटे. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी. मैं आगे जा रहा हूं, वो तो मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया ना. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडिसिटी? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ, इस वक्त क्या था, एटॉमिक नंबर. जवाब दे रहा हूँ, व्हाट इज द कारण of periodicity of properties of element. No ratta, thik kadam. The cause of periodicity is repetition of similar outermost electronic configuration, that is valence shell, after regular intervals of atomic number. For example, dekh bete. Okay sir. Number one ko karte hain. Sun, jab tak main nahi kahun, ya to kisi cheez ko karna hi nahi hai. To main bade aasani se. Okay sir. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन सिखाया था, राइट? कॉन्फ़िगरेशन, यस सर, एटॉमिक नंबर है. कल को जब तू याद कर लेगा ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम, तेरे को कहूंगा पहले का नंबर याद कर ले. उसमें ऐड करना 8, उसमें ऐड करना 8, उसमें ऐड करना 18, जो अभी हमें अंशुमन ने मैजिक नंबर नहीं सिखाए थे, उनसे इसका एटॉमिक नंबर बन जाता है. That is a magic number. देख अंशुल, दो निकल गया क्योंकि इससे पहले हाइड्रोजन था ना बेटे. हाइड्रोजन में दो ऐड किया, 2, 8, 8, 18, 18, 32. और अगर कल को एलिमेंट डिस्कवर हुआ, आज नहीं है, तो वो एलिमेंट कितना आएगा तुली? 119. अब जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये सब इंसान ने ढूंढा बेटिया, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इनके कोर इलेक्ट्रॉन बनते हैं. कोर इलेक्ट्रॉन मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट? आपके घर में इस वक्त जो इंसान बाहर ज्यादा जाता है, ही और शी इज एक्सपोज्ड टू द वेजरीज ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं हैं. तो इसी प्रकार से एटम में जो इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, उनका नाम क्या रखा था बहन? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसमें सेकंड शेल के अंदर 1, थर्ड के अंदर 4, के अंदर 5, के अंदर 6, के अंदर, और सबका शेल कौन सा है? SSSS. जब हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होगा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूं. आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है वेलेंस शेल.
तो इन सबकी यस सर जनरेशन क्या पाई गई है? एन एन एस एस वन वन एन इज द पीरियड नंबर, एन इज द ओके सर पीरियड। पीरियड फॉर एग्जाम्पल, नंबर खूब टाइम लगा इसके ऊपर, खूब टाइम लगा, जितना इस पर टाइम लगाएगा उतना ही आगे सही रहेगा। इसका पीरियड नंबर कितना है? वन। हालांकि हाइड्रोजन को हम इस ग्रुप में नहीं डालते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, दीज आर ऑल अ मेटल्स। तो आप जब भी मुझे ओके बोलेंगे सर पोटेशियम बोलेंगे। इसका ग्रुप कौन सा, पीरियड नंबर कौन सा है? सेकंड। तो इसका हाईएस्ट क्या होगा? सेकंड टू एस वन, टू एस टू, थ्री एस वन, मैं गलत बोल गया हूँ, टू एस हाँ वन, यस सर फोर एस वन, फाइव एस वन, सिक्स एस वन, सेवन एस वन, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे विल बी हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनको बोला ओके जाता सर है एल्कली मेटल्स। व्हाट आर एल्कली, सुना होगा कभी? यस सर वाटर बेस, सॉल्युबल बेस, ये बेस फॉर्मिंग मेटल्स हैं, बेस फॉर्मिंग मेटल्स हैं, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। देख फ्रांसियम तो इसे तो बात ही मत कर, ये तो रेडियो एक्टिव है, मैं आपको इसके पास जाने ही नहीं दूंगा। अगर तुम लिथियम को अपने टेबल पे रख दोगे, वो तकरीबन 45 सेकंड, 40 सेकंड के बाद आग पकड़ लेगा। सोडियम को अगर आपने टेबल पे रख दोगे, वो 14-15 सेकंड के बाद आग पकड़ लेगा। और अगर सीजियम को तुमने अपने टेबल पे रखा है, जैसे ही हम उसको टेबल पे रखेंगे, वो उससे पहले आग पकड़ लेगा और तुम्हारा नुकसान कर देगा। सो दे आर ओके सर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? जनरल कॉन्फ़िगरेशन समझ आया बहना तेरे को? ग्रुप यस सर नंबर वन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वन करके बता ना। एनएस वन एनएस, वन व्हाट इज एन? एन क्या इंडिकेट करेगा? पीरियड नंबर, पीरियड नंबर पीरियड नंबर कौन से हाईएस्ट प्रिंसिपलशिप। और इनको क्या बोला जाता है? एल्कली एल्कलाइन मेटल। मेटल्स बी स्मार्ट, नाउ यू आर लर्निंग। इन सब में हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल बच्चों कौन सा बनेगा? टू। इन सब में हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल कौन सा होगा? तीन। थ्री सब में थ्री हाईएस्ट चार होगा, लास्ट वाले में हाईएस्ट कितना होगा? सेवन होगा। सेवन सेवन दैट इज द वे एवरीथिंग वॉज अरेन्ज। एंड उन साइंटिस्ट को सोचो जिन्होंने ऑफ बाउ रूल बनाया होगा, दिस इज द मोस्ट यूजफुल रूल ऑफ द थ्री रूल्स। हालांकि तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट वो निकाल के लाए। चलिए आगे चलते हैं। तो यस जसलीन कौर बात करेगा, जैस्मिन सिंह बात करेगा, नमन बात करेगी, नमन बात करेगा बेटे, नमन प्राति, यस इफ सर यू गुड। नमन देखो बेटे, बी बोरोन आ गया, राइट? बोरोन इज 5, 13, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे करके आप इसको याद करेंगे। अब याद करो कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इसके बाद 2s। मैंने इसमें अरेंज कर दिया है जैसे आपको सिखाया था, छोटा प्रिंसिपल शेल मैं अंदर ले आया हूं, बड़ा प्रिंसिपल शेल मैं बाहर की ओर लेता हूं। तो बोरोन के अंदर 2s2 2p, इनको क्या बोलते हो बेटा पार्टी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तीन। के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्रभाकर? तीन। तीन और देख इसके अंदर भी वैलेंस कितने हैं? तीन। तीन ये 3d इज नॉट द वैलेंस शेल। व्हाट इज वैलेंस शेल? इलेक्ट्रॉन्स इन, बोलो बच्चे, हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल। प्रिंसिपल और व्हाट इज n? पीरियड नंबर बताएगा उसका, पीरियड नंबर। ये तीसरे पीरियड के मेंबर होंगे, ये हाईएस्ट क्या आ रहा था? पांच। ये पांचवें पीरियड का मेंबर होगा। तो ध्यान से देखिए सबकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जीसी का मतलब क्या आएगा प्रभाकर? जनरल सर कॉन्फिगरेशन इज एन एस टू एन पी वन, और गुड़िया एन क्या है? पीरियड, पीरियड पीरियड और हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल है। तो इन सब के प्रभाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन है। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी रिएक्टिविटी डेफिनेटली सेम होगी,
इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होंगे, इन सबकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और इनकी रिएक्टिविटी सिमिलर पाई गई है। ठीक है बच्चे, चल सकता हूँ? ईशान, ईशान बात करेगा? ईशान, यस ईशान, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम, रेडियम इज रेडियो एक्टिविटी। मैं तो अक्सर स्टार लिख देता हूं वरना आपको धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। बेरिलियम चार, एड एट बारह, एड एट ट्वेंटी, एटीन थर्टी, एड एटीन फिफ्टी, एड थर्टी एटी एट। अरे वाग्रे, क्या लग रहे हैं? एटी एटी लिखा है यार, गलती किया क्या? यस। तो अगले हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, रेडॉन, रेडॉन, नियॉन और हीलियम। देख दो अंशुल, वही मैजिक नंबर इसमें भी ऐड होते हैं दोस्त। It is 36, 34, 86, 86, 2s2, 3s2, 4s2, check करते रहना, 6s2, 7s2। तो अग्रिम सिंह, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? ns2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो, टू, जल्दी दिखाऊंगा। ये सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो ग्रुप नंबर वन के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो वो प्लस वन में जाते हैं। अब इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोला जाता है? अर्थ में होते हैं सर, और सर अर्थ से बेसिक होते हैं वो। तो अल्कलाइन आ गया बुढ़िया हमारे, ना जब हमारी धरती पिघली हुई थी, राइट? तो धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों सालों में वो जाके ठंडी हुई, तो जो हैवियर, जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये कहाँ चले गए? नीचे चले गए, और सरफेस के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी डेंसिटी कम होती है, ये सरफेस के ऊपर रह गए। आपको पता ना हमारी धरती के अंदर आयरन का कोर है, वो कोर के धरती पिघली हुई है, तो हैवियर एलिमेंट कहाँ जाते हैं? अंदर की तरफ नहीं जाते। आप अपने दूध जब उबल रहा हो उसके अंदर कोई भारी चीज डाल के देखना, पर माँ से पूछ लेना कौन सी भारी चीज डालनी है, कोई ऐसी चीज मत डाल देना जो वो दूध में डाल के दूध को खराब कर दे। तो आप देखेंगे हल्की चीज ऊपर तैरेगी और भारी चीज नीचे जाएगी। सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज अर्थ मेटल, क्योंकि ये धरती के कहाँ पे मिलते हैं? सरफेस के ऊपर मिलते हैं। अब क्योंकि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, दे आर क्लासिफाइड इन वन वर्टिकल ग्रुप एंड दे विल बी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो कैन आई कंक्लूड द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी? इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उसको बोलते हैं पीरियडिसिटी, इनको बोलते हैं पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी। The cause of periodicity is similar general outer configuration or similar valence electron that will make them react similarly, right? यहाँ से हमने तुली के रास्ते से एक क्वेश्चन शुरू किया था, तुली, that was a question, that is, you understand the periodicity and the cause of properties of the element, ठीक है बढ़िया? और सुन, इसको copy करना जो भी मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। और पहली वाली चीज, ये वाला जो मैंने आपको कहा था, आपने सिर्फ read करना है, no need to copy, सिर्फ अपनी NCERT में इसको कर लेना। और Moseley law को भी, मुझे पता है अंशुल मेरे से पूछेगा, अंशुल सिर्फ novel के जैसे पढ़ना है, उस किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे काम की नहीं है, ठीक है जी? सिर्फ इसको एक रीड करके आगे चल जाना है, दिस इज लाइक हिस्ट्री है। देवांशी सर करेगा? हाँ बोलो। डायरेक्ट दो पूछो सर।
सर जब भी हमें अगर कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है पीरियड वन में, तो सर हमें आंसर सीजियम देते हैं, फ्रेंशियम नहीं देते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आज के दिन में कोरोना चल रहा है, हमें पता है, क्या मम्मी तुम्हें सैर करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए जाने देती? नो सर। क्यों? ईमानदारी से बताया, कुछ फायदा होगा, देख बता रहा हूं तुमको। बीमारी होने का खतरा है ना, यस सर। बीमार पड़ने का खतरा है, तकलीफ होगी। अब सोच, ये जो फ्रांसियम है, ये अल्फा बीटा गामा रेज पैदा करता है। ये जो गामा रेज है, ये तो कैंसर कॉजिंग है। अरे कोरोना वायरस में से तो सिर्फ भी हम कह रहे हैं 10% तो हम चांसेस हैं कि 10% ही खतरा है, 90% तो हम सेफ हैं। और जब ये कैंसर आएगा तो दिस इज 100% क्या है, बीमारी का घर है भाई। मैं तो तुम्हें नहीं जाने यस दूंगा। तो अब समझ आ गया। अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, असल में तो फ्रांसियम की अभी समझाऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, बट बेटे इसके पास जाएगा कौन, माँ का बच्चा? ठीक है जी। एक मैडम यस सर। क्यूरी ने, जिन्होंने ये डिस्कवर किए थे एलिमेंट रेडियम और फ्रांसियम, तो उनको उनके सारे परिवार की कैंसर से डेथ हुई। अभी भी अगर आप उनकी डायरी को देखो, जहां पे वो अपने रिसर्च की चीजें लिखती थी, वो इतनी कार्सिनोजेनिक है कि अगर आप जाके उनको देखें तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर सेल्फ। सो दैट इज द ओनली रीजन दैट वी डू नॉट अलाउ यू टू गो टूवर्ड्स दीज, जहां पे नीचे आते हुए आपके पास क्या होगा, द रेडियो एक्टिविटी आएगी। रेडियो एक्टिविटी, ये जो टेबल था ना, इसके अंदर ये जहां पे ये स्टार लगा हुआ ना, आप देखेंगे जहां पे भी आप एक्सरे के लिए जाते हैं वहां पे भी ये स्टार लगा होता है। दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हम इनकी प्रॉपर्टी पोलोनियम एस्टेटाइन की आपसे बात नहीं करेंगे। आप देखेंगे जब मैं आपसे पूछूंगा ना ऑक्सन फैमिली, मैं कहूंगा ऑक्सन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, बस कर जाऊंगा। पोलोनियम ठीक है, मुझे पता है, बट मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो अग्रिम, ये जिनके ऊपर येलो सारी बना हुआ ही है स्टार, सो यस दीज सर। ऑल रेडियो एक्टिव बेटे। और हम इसको इसलिए नहीं कहते हैं, हालांकि फ्रांसियम शुड बी, बट फ्रांसियम इज सो मच कार्सिनोजेनिक दैट वी डू नॉट टॉक अबाउट इट। समझ आएगा बच्चे? यस कार्सिनोजेनिक सर। मतलब कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, राजा। ये वर्ड है आपका इंग्लिश का, कार्सिनोजेनिक, कैंसर वो लिखा ही था ऊपर, कैंसर कॉजिंग। ठीक है बच्चे, समझ आएगा? चल सकता हूं अनुवंश? चल अनुवंश, ये आप लोगों ने मुझे अभी अभी बताया था जो एमपीटी का मतलब होता है बेटे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इधर आई विल बी यूजिंग पीटी और एमपीटी, वैसे मैं पीटी ही लिखूंगा, पीटी विल बी गोइंग फॉर पीरियोडिक टेबल। और बेटे मुझे एलिमेंट्स याद चाहिए, एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू दैट। ठीक, मैं ग्रुप के ऊपर रिले करना शुरू कर दूंगा, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दूंगा अगर अगली बारी किसने। और सुनो, जब मैं टॉप टू बॉटम सुनता हूँ, मुझे आ आ आ भी नहीं सुनना है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे एक फ्लो में चाहिए एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ऑक्सीजन, सल्फर, रेडियम, सेलेनियम, टेलुरियम, एंड द पोलोनियम इज गोइंग टू बी देयर, राइट। सर जब चलिए हम अगला, बोल रहे होंगे सर पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन का, तो हम सर पोलोनियम बोलेंगे नहीं ना? नहीं आप बोलने में तो कोई हर्जा नहीं है, राइट। बोलने ओके सर। में तो कोई हर्जा नहीं है बेटे, बोलने में कोई हर्जा नहीं है। तो ये एक सेकेंड, ये चलिए आगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू फोर ब्लॉक, समझ आ गया? एक्स ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये कहां से निकले हैं? सबशेल। द नेम ऑफ द ब्लॉक्स are derived from the name of the orbital or subshell which receives the last electron. अभी भी तुम लोगों ने बताया था, s orbital can have maximum of two electrons.
तो उसमें टू ग्रुप डाले गए, पी में मैक्सिमम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन तो इसमें छह ग्रुप डाले गए, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन 10 ग्रुप डाले गए, एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तो 14 ग्रुप्स वर एडिड, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? सी एक बार दोबारा देखो, मैं बार बार ये काम करता ही रहूंगा, आज तो काम ही इसका हो रहा है। तो ये देखिए, अब देखो ग्रुप्स में चलते हैं, आपको पीरियड्स तो बता दिए, 7 पीरियड्स है। इसको अरेबिक या हिंदू अरेबिक नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14 और 18 तक नाम किया गया। अब आप लोगों को पता लगा कि हाउ इट कैन गो, राइट? हाउ इट कैन गो, इट कैन गो इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? बिकॉज इसके अंदर NS1 और NS2 होगा। इसके अंदर छह क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर NP1, NP2, NP3 और NP6 तक होगा। इसमें 10 क्यों आएंगे? क्योंकि D1, D2, D3 से लेके D10 तक होगा। इसमें 14 क्यों होंगे? क्योंकि इसमें F1 से लेके F14 तक जाएगा। तो इसमें 14 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के मतलब 14 मेंबर्स होने चाहिए। यस, आगे जा सकते हैं। F को ग्रुप 8 9 10 ग्रुप को 8 A 8 B क्यों बोलते हैं तीनों को? 8 B वो पुराना सिस्टम था, वो पुराना सिस्टम था बेटा। सर तीनों का सेम नाम क्यों? वो यार रख दिया, कोई लॉजिक थोड़ा था, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी तो उस करके बोल दिया। अब तुम्हारा नाम अनुवंश युग क्यों है? बस अनुवंश युग है, हमने इससे आगे सोचा नहीं, समझ गया? उससे आगे तो टाइम खराब होगा ना, तो why shall we worry about that? कल को तुम पूछते हैं, बैठ जाओ कि हम बाले को बाला क्यों बोला, नया गांव को नया गांव क्यों बोला? We do not have any logic and why shall we discuss about that? अनुवंश है ना, it will happen in future. तो रख दिया तो रख दिया। हाँ मोदनी बोलो। सर हम जैसे अगर हमें क्वेश्चन आता है कि कोई एलिमेंट किस ग्रुप या पीरियड को बिलोंग करता है, तो हम रोमन में आंसर देंगे उसका या नंबर में, मतलब जो ऊपर लिखा होता है? सिर्फ हिंदू अरबिक में करेगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके सर, सिर्फ हिंदू अरबिक में करेगा, चल सकता है? यस सर, राइट बेटा, तो आगे चल सकते हैं। चलिए देखो, तो सी फर्दर, एक मिनट, चलिए। सो देर आर फोर ब्लॉक्स, देर आर फोर ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी अभी बात होगी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। एक एक से दोस्ती करो। What is going to be the S block? When is the S block? When the last electron, तन्वीर बात करेगी, enters S subshell। अगली बारी SS लिख दो मैं बेटा, S subshell while writing the configuration, then we समझे? Yes sir. S block के अंदर बेटे, S block के अंदर कितने group आते हैं बेटे? 1 and 2। और period 1 में hydrogen, 2 में lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium। इनको ब्लू इसलिए लिखा गया कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तन्वीर, इनकी जीसी, जीसी का मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 और NS2। तन्वीर समझे हो? व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, NS1 या NS2? इसका मतलब क्या होगा? उनमें या तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है या दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसको मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट है बेटा। NS1 और NS2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन।
किसकी बात कर रहा है तनवीर? इनकी बात कर रहा है, ये वाले जो हैं, these are going to be कौन से एलिमेंट होंगे? S block एलिमेंट। इनमें से इनको बोलता है एल्कली, एल्कली मेटल्स, और इनको बोलता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। धीरे धीरे आगे चलते हुए हम एक एक ग्रुप को पढ़ना शुरू करेंगे। अब बेटे मैं आ गया हूं द पी ब्लॉक के अंदर, द पी ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक कैसे बोला जाता है? When writing the electronic configuration, the last electron enters into P subshell, the P subshell. So this is going to be having how many groups bade? They are going to have the sixth group corresponding to 13, 14, 15, 16, 17, 18. और दूसरी चीज, कौन से पीरियड से पी ब्लॉक शुरू होगा? यू शुड नो दैट। कौन से से? सेकंड पीरियड, क्योंकि वन पी तो होता ही नहीं है। सो तन्वी, दैट इज द रीजन दैट आई एम आस्किंग यू दैट यू शुड रिमेंबर द एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम धीरे धीरे करके। बेटा ये जो ब्रोमीन आ रहा है ना, जो इस रंग से लिख रहा है, अलग रंग से, हरे से, ये लिक्विड होंगे या इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत कम होगा। आप किसी चीज का दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली ये मैं आगे करता रहूंगा। एंड भुल्लर, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब पी ब्लॉक में जाएगा तो पहले एनएस को भर के ही तो जाएगा ना, देखना कार्बन की लिख रहा था तो 1s2 2p2 नहीं लिखा था, जब फ्लोरीन की लिखी थी तो 1s2 2p5 नहीं लिखेगा, तो पहले किसको भरेगा? एनएस को। इसमें एन कितना है? 2। इसमें एन कितना है? 3। इसमें एन कितना है? 4। इसमें एन कितना है? 5। और इसमें एन कितना है? 5 2 3 4 एंड 5। डू यू अंडरस्टैंड वीडियो? तो देख, एन बी इंडिकेटिंग द पीरियड नंबर, एन विल बी इंडिकेटिंग द पीरियड नंबर, एंड एन एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और एन पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 6। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, समझ आएगा? हर ग्रुप, ये ऊपर वाला बेशक मैं ड्रॉ करना, बट बेटे ये पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP 1 2 6। और सुन, याद नहीं करने का, रिपीट करने का, याद किया तो नुकसान होगा बेटे। तन्वीर आपसे पूछ रहा हूं, फिफ्थ, ये जो पीरियड है पी ब्लॉक में, जो फिफ्थ एलिमेंट है, उनकी फिफ्थ पीरियड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कोशिश कर। यस तन्वीर, जो पीरियड 5 के पी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? दैट इज माय क्वेश्चन। 5 2 5 p 1 2 6। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तन्वीर से सुनना चाहूंगा, 5 s 2 s 2 5 1 2 6 1 2 6। समझ आया तन्वीर? तन्वीर दोबारा चुक ने क्या बोला? तो हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो सेक्शन है, वो प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ बैठा हुआ है। अभी एक, अभी और भी बताना है लैंथेनम के बारे में भी, ये एक्सेप्शन है, अभी बात करूंगा, ठीक है? इस अगले पेज पे ही कर देता हूं। तो तन्वी दोबारा पूछ रहा हूं, जो पीरियड 7 के जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उन सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 7s2 7p 1 2 6। बिल्कुल सही। और इनके लिए n कितना है गुड़िया? 7। इनके लिए n कितना है? 5। मजा आएगा बेटे। अब जो आंसर करते हैं तन्वीर, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 1। इट शुड बी कौन सा होना चाहिए था? s ब्लॉक। इट्स प्रॉपर्टीज मैचेस दैट ऑफ नोबल गैस, that is group 18. It does not
at all resembles. अल्फाबेट को डिकोड करो. AEM से क्या मतलब हुआ? Alkaline earth metals. Yep. Therefore, it has been placed in group 18. This P block. जरूरी नहीं है कि सब चीजें हार्ड एंड फास्ट से ही डिसीजन लेनी है. We have to be flexible, like bamboo, right? जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक ट्विस्ट हो, सोचो, समझो और आगे जाओ. क्या ये समझ आ गया गायकी? मेरे साथ आएगा गायकी? हाँ बोलो. Included. हीलियम को पी ब्लॉक में. मुझे बोल. सर हीलियम को पी ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं. हाँ, हीलियम इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, नोबल गैसेस में आएगा बिकॉज ऑफ उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी बेटा. ये तो भी बहुत कुछ सीखना भाई. चल ठीक है गायकी दीदी, आगे चले. Yes, बोल. तो P block element में कुछ elements का color similar है, मतलब वो ना same group में ना same period में, तो वो भी उनके कुछ properties same है. Color similar है हाँ, जैसे ये non metals हैं, ये metalloids हैं बिटिया, और ये हरे वाले metals हैं, ये typical non metals हैं, ये gases हैं, तो अलग अलग shade बना रहे. But सुन, बिल्कुल नहीं रटना. उसने सिर्फ आपको कलर कोड से बताने की कोशिश की है कि ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं. Yes, sir. ठीक है, बट हाँ, दिस इज गुड इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ एक ऑब्जर्वेशन है. गायकी चलेगा मेरे साथ बेटे? Yes, sir. गायकी बहन, हम चले अब डी ब्लॉक में. पहले तो मुझे बता, डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? Fourth subshell से शुरू होता है. बिल्कुल ठीक बोला है. गायकी दीदी, मुझे ये बता, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एन की वैल्यू 4, 5, 6, 7 हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. नहीं हो सकती है डी ब्लॉक के लिए. हो सकती. हाँ, दिस इज एन माइनस वन. समझा गायकी? दोबारा तो सब में है ना, 5s में भी है. अच्छा ठीक है, पर n की वैल्यू 5 है. ठीक है, सुन अभी सुनाता हूँ मेरे बच्चे, अभी बोलता हूँ. देख जरा, दोबारा सुन. अगर आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहले तो मुझे बता इसको ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलते हैं. इधर तेरे पास मेटल है बेटे, इधर तेरे पास नॉन मेटल्स हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन आएगी फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक करेक्टर. देख, उसने इस रंग से डाला हुआ है. दीज आर ऑल सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां शुरू होती थी? स्क्वेंडियम से जिंक तक. यस सर. 21 to 30 उड़िया है ना. इसके लिए बहन, एन की वैल्यू, अगर आपके पास n की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 3. Yes. यहाँ पे कौन सा शेल भर रहा है? 3D. इसके लिए कौन सा शेल भर रहा है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए? 4D. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए कौन सा भर रहा है? 5. और ये कौन सा भर रहा है? ये. अब याद कर, जब मैंने आपको आयरन या एट रैंडम किसी की कॉन्फिगरेशन कराई थी, तेरे को बोला था 3D6 and 4S2. Yes, sir. और कभी कभी anomalous configuration भी आई थी बहना, तो इसको 3D5 4S1 बोला था. Yes, sir. Ideally तो जब आप लोग, प्लीज मैं हर किसी से बात करता हूँ, बट मैं आप में से किसी एक को अनम्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि वो जब क्वेश्चन पूछता है तो वो सबको मदद मिलती है. आज आप ही के किसी एक साथी से बात हो रही थी, तो ही सेज के कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरे ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम निकल जाती है. सो दिस अ गुड वे. सो दैट इज आई ऑलवेज ट्राई टू अनम्यूट वन ऑफ यू. ओके, तो गायकी अब देख बेटे, अगर डी को भरना है तो पहले एन एस को भी तो भरना होगा. यस सर. आइडियली तो तेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी पुत्र? NS2 N-1 D
एक से 10 होनी थी, यस सर, इसको भर के जाएगा, बट ड्यू टू एनोमलस कॉन्फिगरेशंस यू हैड दिस टाइप ऑफ जनरल कॉन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक. समझा के नहीं? यस सर. एक कॉपर क्रोमियम सिल्वर गोल्ड आपने वहां पे एक इलेक्ट्रॉन उठा के आगे नहीं मार दिया था. यस सर. दैट वाज अ केस. अब इशिता कपूर अनम्यूट हो जा. इशिता, व्हेन आई आंसर, व्हेन आई आस्क यू आंसर, सो आई कैन जज कि आपको क्या समझ आया, मुझे क्या बताना है. कपूर बात करेगा? यस कपूर. कपूर, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है? माइक नहीं काम कर रहा है. नमन, यू शुड ट्राई टू टॉक विद मी पॉसिबल. यस, डी ब्लॉक की, तब तक भाई जो जो अनम्यूटेड है बोल दिया करो. डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS122 1210. ये प्रभाकर, N क्या इंडिकेट करता है? S सबशन. और N माइनस वन क्या करता है? बी सबशन. क्या तुम लोगों को याद है आप लोगों ने इसको N माइनस वन को बोला था एंटी पेनल्टीमेट, सॉरी पेनल्टीमेट, गलती कर गया, इसको क्या बोला था? पेनल्टीमेट. और इसको क्या बोला था? अल्टीमेट और लास्ट. So, जब भी आप डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो बेसिकली आप पिछले शेल को भर रहे होते हो. आप चेक कर सकते हो, 4s2 तो कैल्शियम पे पूरा हो गया था, उसके बाद d1 d2 d3 d4 में नहीं डाला था, और वो किस में डाला था? सेकेंड लास्ट शेल में डाला था. समझोगे बेटे? सो व्हाट इज द जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक? ns1 to 2, n-1, d1 to 10. ये 1 to 2 क्यों हुआ एनएस में? बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. नाउ चुक, बात कर मेरे से. यस सर. तो अब हम चले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स. लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड शुरू होते हैं लेंथेनम, राइट, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलोनियम, टर्बियम, डाइसोप्रेसियम, बोहिलियम, एरिबियम एंड सो ऑन. अभी मत याद करना, अपने आप बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको मैं किसी और चीज पे फोकस करवाई हुई है. दीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल. सिर्फ एक ही कारण है, टू अवॉइड अनड्यू साइडवाइज एक्सपेंशन. हाईलाइट इसलिए किया है कि तुम्हारी आंख वहां पे फोकस कर रही है. चुक, व्हाई आर एफ ब्लॉक एलिमेंट सेपरेटली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल? टू अवॉइड अनड्यू साइडवाइज एक्सपेंशन. दैट्स इट. बस यही पांच अक्षर की कहानी है. टू अवॉइड अनड्यू साइडवाइज एक्सपेंशन, देयर इज नो अदर लॉजिक. इनकी भाई जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है? असूलन तो आपको जो होना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था, जब यहां गया है आपको इसको भर के ही तो आगे आना था. ये देख, एफ ब्लॉक के लिए 4f कर गया बेटा, अभी अभी ठीक कर देता, 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p. तो ये होना चाहिए था. तो अगर इसमें मैं n बोलूं तो n किसको बोलेगा? 6 को. अरे यार, हाईएस्ट वैल्यू देखना. यस सर. तो जब f ब्लॉक को भरते हैं आपको n माइनस को होना चाहिए था n माइनस, तो n ns2 n माइनस 2 F 1 to 14 होना चाहिए था. यस सर. बट यहां पे हमने कुछ अनोमली पाई. हमने पाया इनकी कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन कभी कभार उठ के चला जाता है डी सबशेल में भी. 1 to 14 n माइनस 1 डी 0 to 1 पाया गया. आप समझ पा रहे हो? सिक्स्थ पीरियड के लिए 6 है और ये 4 है,
और ये फाइव है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन कभी कभार सैर करने के लिए डी में भी चले जाता है। तो इनकी दो जनरल कॉन्फ़िगरेशन असूलन क्या आनी चाहिए थी, ये वाली। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटली हमने पाई n माइनस वन डी जीरो टू वन एन एस टू इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। जीरो टू टेन क्या सर? डी जीरो टू टेन ही होना चाहिए। अरे जो तुझे बता रहा हूं उसके ऊपर यकीन क्यों नहीं करता है? ठीक है, तो उसके ऊपर यकीन क्यों नहीं करता है? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जीरो या वन ऑर्बिटल में रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है। मेरे भाई मैंने नहीं बनाई दुनिया, ना ही आपने बनाई है। ओके, तो इसकी जनरल कॉन्फिग्रेशन ये पाई गई है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। राइट, बनाने वाला करने वाला कहीं और बैठा है, मैं उनसे कभी मिला नहीं, ना ही सारी जिंदगी में आप कभी मिलेंगे। हो सकता है कि हमारी करोड़ों जनरेशन उनसे नहीं मिलेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, बट हमने ऐसा पाया है कि उसमें एक एनोमली आई है। दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ द जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस। नाउ अमोदनी आ गया, यहां पे रख रहा हूं बहन, जनरल कॉन्फिगरेशन। ठीक है गुड़िया? yes, चल मेरे साथ काम करवा। चल गुड़िया, एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जनरल कॉन्फिगरेशन क्या थी? एनएस2। जनरल कॉन्फिगरेशन क्या थी? एनएस2 एनपी6 1 2 6 होनी चाहिए। एनएस2 n minus 1 n minus 1 n minus p 1 2 10। इसको क्या बोलोगे? लास्ट। इसको क्या बोलोगे? सेकंड लास्ट। इसको क्या बोलोगे? अल्टीमेट। इसको क्या बोलोगे? पेनल्टीमेट। इसमें ns2 s2 n minus 1 d minus 1 f 1 to 4 sir n minus 2 1 to 14 Thank you. N minus 2. And zero. N minus 1. D 0 to 1. This is very important topic. An extremely important topic. You should. हाँ, क्या चीज? सिर्फ पिछली साइड में इसके आगे भी कुछ था। 6 feet आ गया। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अलग अलग हुई हुई थी ना, तो तुली मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है बेटा। ठीक है, फॉरगेट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और याद करने का नहीं है। अब तुली सी बेटिया, मेरे हाथ बंधे होते हैं ना, वी आर नॉट द क्रिएटर। अब जैसे आप कहें आपके पापा का नेचर ऐसा है, आपके चाचा का नेचर ऐसा है, आपके पड़ोसियों का नेचर ऐसा है, आपके पड़ोसी लड़ाके हैं, तो आप अगर उनके घर के ऊपर पत्थर मारेंगे तो रोज लड़ाई होगी, राइट? सो टू अंडरस्टैंड दिस नेचर। अब एक बात बता रहा हूं, अगर हम आपको ज़ेनॉन 54, राइट? ज़ेनॉन 54 की लगे फिर आता था 4F, फिर आता था 5D, फिर आता था व्हाट? 6P। ज़ेनॉन के बाद, ये मैं रेपिटेशन के लिए लिख लेता हूँ, और रेडॉन 86 के बाद क्या आता था गुड़िया? 7S, 5F, 5F, 6D, 7P। तो तुल्ली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ पे चाहिए बहन? 4F1। तो दोस्तों मेरी नहीं चलती यार, जितनी तुम्हारी चलती है उतनी मेरी चलती है। तो माँ जिसको मैं बोलता हूँ, नेचर जिसको मैं बोलता हूँ, वो तो मेरे से पूछ के थोड़ा चलती है। वो तो कहते हैं बेटे मैंने बना दिया, अब तू देख ले। तो इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है दैट हैज बीन फाउंड टू बी दिस। ओके सर। एक्टिनियम गुड़िया 89,
एक्टिनियम इज होना क्या चाहिए था, है ना, 84 लिखना था बेटिया। नहीं ठीक 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 लिखा, ठीक लिखा, रेड ऑन 86 सेवन सेवन, एक्स टू वन नहीं वो 89, मैंने गलती कर दी, 32 ऐड करना था ना, तो 5F बोल 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 वन। वन बट भगवान जब बनाते हैं वो यहां का एक इलेक्ट्रॉन उठा के मेरे बेटे किस में डाल देते हैं, 6D1 में डाल देते हैं। तो 6s2 में तो 7s2 मैंने तो वही लिखा नहीं था कदम, मैंने तो वही लिखा था, कैसी बातें कर रहा था, 7 ऊपर 7 लिखा था तो नीचे मैं कैसे लिख सकता हूँ 6S, है ना। सर, आपने अभी अभी सही किया, अभी ऐसे ऐसे मत किया कर, नहीं किया नहीं किया, देख कदम किया। मेरी, हाँ कदम मेरी साइड लेगी, नहीं नहीं लेगी तो तेरे को पीटूंगा, ठीक है पुत्र। एनीवे गाय की तेरे को पता है ना, चल यस गाय की यू आर राइट, बट एनीवे ये आगे का भी कोट होगा, तो समझे हो बेटे लेंथेनम और एक्टिनियम का गायकी क्या होना चाहिए था, हाँ और भैया अब इसको येलो क्यों किया है समझ पाएगा। सर चल गायकी इम्पोर्टेंट पढ़, है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ बहन, मेरे को नहीं आता, बता जरा पढ़ गायकी पढ़। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर एक्सेप्शंस, दे मस्ट बी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बट एक्चुअली दे हैव बीन फाउंड टू हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन डी सबशेल। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार दोबारा करा मैं सर, 57 है, एक्सपेक्टेड क्या है यस गुड़िया, सर, ज़ेनॉन 54, 6s2, फोर 4f1, एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ, एक्टिनियम 89 है, 7s2, 5f1, फाइव ये एक्सेप्शनल है, अब तो गड़बड़ हो एक्चुअली चल गए कि ठीक करा, यस सर। बोल 5d1, 5D1 और गए कि याद है ना, यस सर, आपको बाद में बेटे इसको फाइव, करना ही होता, यस सर, और यहां पे बहन रेड ऑन, रेड ऑन 86, 7s2, एटी 61। वेरी गुड। अमोदनी मम्मा किस दिन फ्री हुए ना, तुमको यस कहना सर, मेरे को करेंगे, आपकी शिकायत करनी है, अच्छी वाली बुरी वाली नहीं, ओके सर, तो ये समझ आया, कभी भी रूटीन में बैठे, और मैं फोन यस नहीं सर, उठाता, मैं नॉर्मली, डू यू नो मेरी टीचिंग कितनी क्लास कितने घंटे की होती है, नहीं सर, आपने कभी बताया नहीं। 8 से 10 घंटे। सो हाउ मेनी आवर्स डू यू पीपल वर्क, सो दैट इज द आवर्स आई वर्क, एंड फॉर एवरी 8 आवर्स आई हैव टू वर्क अराउंड 4 to 5 आवर्स फॉर थॉट। तुम्हें लगता है कि ये जो सेशन प्लान किए गए क्या ये ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, तो इनके पीछे इनपुट लगती है, ये मेरी इन राइटिंग है बहन तेरे को पता, सो आई जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सो बेटा बट व्हाई आई डू इट, बिकॉज आई वॉन्ट यू शुड स्ट्राइक इट, इट शुड बी प्रिंटेड इन योर माइंड, देन यू प्लीज लेट मी गिव अ चांस, एक ऐसा मौका दो वेर आई कैन बोस्ट ऑफ यू पीपल। अरे अमोदनी आई थी, अरे चुप आया, अरे तुल्ली आई थी कभी मेरे से पढ़ने के लिए, आज देखो कितना बड़ा साइंटिस्ट बन के बैठा हुआ है, राइट सन। सो दैट इज यस सर, उत्कर्ष जो मैं आपसे पहली बात कर रहा, नेवर एवर ब्रीच द फेथ, यू कमांड आर रिस्पेक्ट, राइट उत्कर्ष, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, तो मैंने तुम्हें डांटा है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे बेटे कि अगली बार ऐसा ना हो। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई रोट सो मेनी टाइम दिस, दीज आर एक्चुअली क्या है, बी ब्लॉक एलिमेंट है। प्रभाकर आगे आ जा, यस प्रभाकर, यस यस सर, प्रभाकर, प्रभाकर एफ में कितने एलिमेंट आते हैं मेरे बच्चे, सर 14 इलेक्ट्रॉन, 14, 14 है। अब मेरे साथ स्लोली काउंट करना,
वन टू थ्री, मैं बोलता हूँ तो चेक करता रहे ना बेटे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, उप्स ये तो 15 एलिमेंट आ रहे हैं. यस स्टार्टिंग जो लैंथेनम और एक्टिनियम है. यस प्रभाकर, दैट इज एक्चुअली एलिमेंट है, दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट. बट उनको एक्सेप्शनल रीजन से यहां पे रखा गया है गुड़िया, जैसे हीलियम को प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से यहाँ पे रखा गया था. क्या समझा प्रभाकर? यस सर. ये मेरे बच्चे का बड़े दिन पहले मेरे से लड़ाई हो रही थी और मैं इसको कह रहा था चुप होकर बैठ जा, जिस दिन समय आएगा ना उस दिन बताऊंगा. ये कहती नहीं जी मेरे को अभी बताओ, तो मैंने इसको कहा तू चुप होकर बैठ अभी बताएगा. अब चल प्रभाकर, अब तो पूरी क्लास को बताएगा. तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा, ठीक सर. एक मिनट पहले प्रभाकर से बात कर रहा हूँ, अब मतनी अभी करता हूँ अभी. अनन्या प्रभाकर जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया बस वैसे ही बताना. लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट? सर उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, मैं तेरे मुझसे वही निकलवाऊंगा बेटिया, मैं ढंग से अपने निकलवा रहा हूँ, है ना. तो सिर्फ मेरे को जो मैं पूछूं उसका जवाब दे, वही निकलवाऊंगा. लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं उस मुताबिक पूछ रहा हूँ. लैंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनम, एक्टिनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट एक्टिनियम डी ब्लॉक है कि एफ ब्लॉक है? डी ब्लॉक सर. वेरी राइट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई दीज आर प्लेस्ड अलोंग विद अदर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम. यस बिल्कुल सेम, आइसिंग ऑन द केक. व्हाई हीलियम हैज बीन प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, एक्चुअली इट शुड बी व्हाट? S block, but similar properties की वजह से वहाँ पे. ऐसे बेटे जब आगे जाएगा तो तेरे को और भी बताऊंगा. ये जो जनाब है ना, ये जो तीन भाई साहब बैठे हैं, कौन से तीन भाई साहब बैठे हैं? जिंक कैडमियम मर्करी असूलन इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इनको यहाँ पे रखा गया है. समझ पाएगा बेटे? Yes, sir. Your question has been answered. There are many more things which will be unfolded as you slowly and slowly move further in chemistry. Now, Amodini कुछ पूछना चाह रहा था बेटा, आप मेरे से बात कर सकता है? नहीं सर, वो क्लियर हो गया. तो मैंने पूछना था. Yes, sir. पूछ पूछ. सर एक बार periodic table की slide खोलना सर. बड़ी वाली? Yes, sir. मुझे पहले तो ये बता अनुराग क्यों नहीं रखा? अनुराग रखा जा सकता था सिर्फ, पता नहीं सर. मेरे को भी नहीं पता, पर मैं क्यों पता करूं? समझ आया? Does it matter? Sir, please you करो फिर. ड्राइवर की सीट को इस तरफ क्यों रखा गया यार? रख दिया, हो गया, कोई सोचा होगा, हम गाड़ी मस्ती से चलाते हैं. You want to do it? You please do it. But फायदा क्या होगा यार? जो सारी दुनिया जिस तरफ चलती है, अब हिंदुस्तान में गाड़ी चलाता है भाई, मेरे सड़क के लेफ्ट साइड पे चलाता है, राइट पे क्यों नहीं चलाता? समझ पा रहा है? Leave unnecessary things which is not going to bother you. It has happened. It is in front of you. You want to change the whole periodic table, then you should earn so much of knowledge that you should be sitting in the IUPAC committee. उसमें से nominate होती है. NCERT पढ़ना आपको पता लगेगा कि कैसे उसमें लोग nominate होते हैं. उनकी क्या qualification होती है? क्या उनकी acceptance होती है? कितने उस committee में होंगे? हाँ, बहुत होंगे, बहुत होंगे. एक दो दस नहीं होंगे, काफी होंगे. So, Indians इतने बुरे भी नहीं है, बट हाँ इंडियंस इतने बुरे हैं जो हिंदुस्तान में बैठे होते हैं तो वो रिसर्च नहीं कर रहे होते, वो रिसर्च कर रहे होते हैं.
like you were doing few minutes earlier. You understand the difference between research and research? Research. So you understand the difference. सुनो, इसको मैं आज शुरू नहीं करूंगा, मैं फ्रेश शुरू करूंगा. चलो कर लेते हैं यार, कर लेते हैं, एक टॉपिक खत्म होगा. प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फ्रॉम जनरल कॉन्फिगरेशन फॉर फ्यू डेज. जस्ट मेक योर कंप्यूटर का जो स्क्रीनशॉट बैकग्राउंड होता है ना, जो बैकग्राउंड होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस टेबल से बना देना फिर. ठीक, द ब्लॉक एस के लिए पीरियड नंबर ग्रुप नंबर किस प्रकार से निकालते हैं. एस ब्लॉक कैसे पता लगेगा, पी ब्लॉक कैसे पता लगेगा, हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. राइट अरोड़ा, तो जब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटिया, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आएगी दैट इज गोइंग टू इंडिकेट इट्स व्हाट द पीरियड नंबर. That is going to indicate its period number. एक मिनट बेटा, मैं हाईलाइट उठा रहा था. See, yes. अरे इसके ऊपर चलेगा ही नहीं, ब्लैक के ऊपर. चलो कोई बात नहीं. तो that is going to indicate its period number. Yeah, this is okay. तो जो भी n आएगा उसको period number बनेगा, highest देखना. अब उसके बाद group number कैसे निकालोगे, इससे निकलेगा. अभी सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, जितने भी एनएस के अंदर होंगे, पावर में देखना वन या टू, उसका ग्रुप नंबर बनने वाला है. एक एक करके करते हैं, एक एक करके. अभी सिर्फ मेरे बच्चों, सिर्फ आप एस ब्लॉक के लिए पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर को देखिए. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के लिए अन्य अरोड़ा मेरे से बात करेगा. अन्य इसकी कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेगा बेटिया, आप लिखोगे नियॉन 10 3s2. तो अरोड़ा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में आया बेटिया, s में. तो आपका ब्लॉक कौन सा बनेगा बेटे, s ब्लॉक. व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, आपको बताया ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n से उसका क्या बनेगा, पीरियड नंबर बनेगा. व्हाट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, 3. व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस सबशेल, पावर में देखना अरोड़ा, यहाँ पे वन एंड टू आएगा तो आपने वहां देखना है कितने हैं आपके पास, दो. और देख ये जो मैग्नीशियम है कहाँ पे बैठा है, पीरियड नंबर टू में बैठा है, एस ब्लॉक में बैठा है, सॉरी पीरियड नंबर थ्री में बैठा है, ग्रुप नंबर टू में बैठा है. अरोड़ा समझा? Yes. अरोड़ा ये आप मेरे साथ करेंगे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन, ज़ेनॉन इज 54 6s2. थैंक यू बेटे, 6s2. सो ब्लॉक कौन सा बनेगा बच्चों, यस, क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, एंटर्ड एस ब्लॉक. एस व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू पाठक की, कितनी है, 6. तो पाठक कितना बनेगा, पीरियड नंबर विल बी 6. राइट, और बेटे द ग्रुप इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 2. पीरियड नंबर कौन सा बनेगा, 6. 1 2 3 4 5 6. देखो यहां पे बैठा हुआ है, ठीक, और ग्रुप नंबर किसमें बैठा है, 2 में, और एस ब्लॉक में बैठा है. पाठक पी को पढ़ बच्चे, देख पीरियड नंबर में तो पाठक सब में एक ही रूल है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन. अब यहां पे क्या होगा पाठक, जितने भी इलेक्ट्रॉन बेटे एनएस में आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन एनपी में आएंगे, प्लस 10 करेगा. व्हाई 10 करोगे, बिकॉज जब आप एस से पी में जाओगे तो बीच में आपको क्या मिलने वाले हैं, 10 ये नहीं मिलने वाले पाठक, ट्रांजिशन सीरीज आने वाले हैं. तो पाठक यू विल ट्राई सन, मैं पहले मैंने पी कर दिया, चलो पी कर लेते हैं. अब मैंने पी बोला था ना, यस पाठक, फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बोलेगा बेटे, हीलियम नियॉन 10 3s2 3p3. आदित्य पाठक,
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 एंड 3, 2 प्लस 3 प्लस 10, ग्रुप नंबर कितना बनेगा? 15। ब्लॉक कौन सा बनेगा बच्चों? पी पी ब्लॉक। और पीरियड केड़ा बनेगा जी? थर्ड पी। थर्ड राइट। ये एंटीमनी की बात करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 36, 4s2, 5s, 5s2 आएगा। थैंक यू विद्या, थैंक यू। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ थिंग। 5s2, 4d10, 4d, 4p3। आपको पता है 4d को अंदर भेजना होगा। 5p3। थैंक यू विद्या। ये प्लीज करते रहना आगे भी, है ना? 5p3। तो कौन सा बनेगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। हाईएस्ट वैल्यू एन की कितनी है? 5। और इलेक्ट्रॉन एन 2 प्लस 3 प्लस 10, इट इज गोइंग टू बी 15। नाइट्रोजन आर्सेनिक एंटीमनी। आयोडीन, आयोडीन नवजिया बीच में टांग घुसाड़ देते हैं यार। क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, 5s2, 5s2, 4d, 4d10, 4d5, 5b1, 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 5। पीरियड अभी भी 5 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 5, 17। कौन सा बनेगा? 17। यू कैन चेक इट। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहीं पे आएगा। चुप, समझ गया बेटे? यस सर। चुप। और ये अब अंशुल कनौजिया मेरे साथ करवाएगा। कनौजिया साहब डी में है, राइट? अंशुल डी में राजा, इसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंशुल ध्यान से, यहाँ पे गड़बड़ी का कारण बनता है बच्चों से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उत्तर दो। एनएस में कितने आ रहे हैं और एन माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अंशुल आई रिपीट, यू हैव टू सी इलेक्ट्रॉन्स हेयर, you are not to do anything with n or n minus 1. ऊपर देखना number of electrons in, right अंशुल? सुन पा रहा है? चल अंशुल, titanium की argon 18, 4s2, 3d2, 3d2, 4s2. period number अंशुल will be 4th. Four. group number, number of electron in n माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? n में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये देखो। two. और n माइनस वन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ग्रुप कौन सा बनेगा? 4। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड आ गया, और 1 2 3 4 ग्रुप आ गया, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ टाइटेनियम, राइट? चलिए देवांशी, आज माइक नहीं काम कर रहा क्या? यप, अमोदनी आ गया। रोहोडियम, दिस इज गोइंग टू बी क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, 5s2, 48 के 7 होगा सर, 8 होगा सर, ये 38 नहीं हो गया, 45 है, 36 और 2 38, 38 और 7 45। यस सर, ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है। पीरियड कितना हो गया गाय की? 5, 5, 5। और 7 और 2 9, चेक करें, 59। तो 1 2 3 4 5, और देखो 9 में जाओ, ये रहा हमारा रोडियम, ठीक है ना? 9 में मिलना था ग्रुप में और 5 पीरियड में मिलना था, समझ पा रहे हो बच्चों? नाउ प्लीज वर्क आउट द कॉन्फिगरेशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन से शुरू होगा। ज़ेनॉन कहां से शुरू? 54 से शुरू होगा। सिक्स एस वन, फाइव, फाइव डी टेन। अभी रुक जाए, पहले पहले ढंग से लिखेंगे। 4f14 एंड 56 क्या कह रहा है? 56 से होता है ज़ेनॉन, सो 5d10 नहीं होगा,
सिक्स भी सिक्स वन करूंगा ना, फाइव करूंगा ना, मैं बहुत लोगों के सुन रहा हूँ ना, तो इस करके मैं स्टेप वही चलता हूँ ना जैसे आपको सिखाया था। सो दिस इज बच्चों 5d10 6s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर किया? डी। सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी विच ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा बनेगा? 5। नंबर इलेक्ट्रॉन एनएस में कितने थे? 10 और 1 कितना आएगा? 11। समझा? तो 5 11 1 2 5 मैंने कुछ गड़बड़ की, अभी देख लेते हैं। यस सर, सो वो 56 होगा। यस सर, 6 होगा। सो पीरियड 6 आएगा। पीरियड कितना आएगा? 6। ठीक कर दिया। 6 11 1 2 3 4 5 6 और ये देखो 11 में बैठा हुआ है सोना, समझे हो? यस। नाउ जरा एफ ब्लॉक के लिए सारे बच्चे पढ़ो। रोहित कैसा है? हेलो रोहित। अर्चनी, हेलो अर्चनी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन एंड ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज थर्ड ग्रुप एलिमेंट। अरे मैंने थोड़ा बनाया, ये देखो ये कौन सा है? थर्ड। असूलन इसको वेयर दीज मस्ट बी फाउंड? 3। सो दीज आर क्लासिफाइड एज ऑल ऑफ देम बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। अब चुक साहब का भी आंसर हो जाएगा कि चुक साहब क्या पूछ रहे थे। तो इफ आई राइट समेरियम, ओ मेरी मदद करो। सो ज़ीनन 50 ज़ीनन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनन। यस सर, ये मेरी मदद आप लोगों ने करनी है। 54 56 होता है क्या? 66 तू बार-बार क्या बोल रहा है? 66 नहीं सर, ज़ीनन 56 होता है। क्या बात कर रही है? 54 ही होता है सर। नियॉन कैसी बात कर रही है? गाय की कुछ भी नींद में बोल रही है? क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, 2, 10, 18, 36 में ऐड किया, 54 होता है कि 56 होता है? ठीक है सर, 54 ही है। ठीक है, मैंने चार पांच नहीं बोला, मुझे लगा गलती कर रही है, बार बार 56 बोलती है, बीच में से आगे ना बोलती है 56 होती है, तो ये 56 हो गया। अब 4F6 पीरियड कौन सा होगा? 6। ब्लॉक कौन सा होगा? एफ ब्लॉक। और ग्रुप नंबर कौन सा होगा बच्चों? थर्ड। इसके लिए अब गाय की दीदी रेडॉन 86 होता है। यस सर, 86 ही होता है। 7s2 कितना हो गया? 88। 4f4 सो 5f। थैंक यू बेटे। सो दिस इज गोइंग टू बी 7 एंड इट विल बी विच ग्रुप? Third. This is going to be the clue. This is the way you should remember. Do not forget it. Copy it, right? मैंने मेहनत की है इसको निकालने में, तो आप भी इसको प्लीज कॉपी करने में तो मेहनत कर सकते हैं। एंड यू विल फॉरगेट इट इफ यू आर गोइंग टू मेमोराइज इट। नो यूज वेन एवर यू राइट दिस अलॉन्ग विद दैट, तीन चार एलिमेंट एस के, तीन चार एलिमेंट पी के एंड तीन चार एलिमेंट ऐसे, जैसे मैं करता हूं वैसे भी आप भी करिए। ठीक है बच्चों, यहां से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वेयर वुड यू लोकेट विद एलिमेंट 114 रेडॉन 86 7s2 5f14 6d10 88, 102, 112, 7p2. 7p2, इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक बन गया? P ब्लॉक। 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 P ब्लॉक। और इसका जो पीरियड बना, that is going to be 7th. 7th period. अग्रिम जड़ा ग्रुप बनया, 2,
सर एक बार सर एफ ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक वाले का सर एक बार करवा दो एग्जांपल दस इट कॉन्फ़िगरेशन लिख ब्लॉक देख हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए देख और सारे के सारे ग्रुप नंबर कौन सा होगा थर्ड में होगा कहां से निकाल रहा हूं यहां से निकाल रहा हूं अब एलिमेंट 14 देखो 114 यहां बैठा है 7 पे और ये देखो ग्रुप कौन सा है 14 ओके सर ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है डियर आपकी दिस हैज बीन सॉल्वड हियर 7th एंड 14th राइट अग्रिम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप 17th ग्रुप का मतलब क्या होगा पी ब्लॉक क्लोरीन 17th ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ns प्लस np प्लस 10 कितने होंगे 17 7 तो दो ही आ सकते हैं इसमें कितने आएंगे 5 अब पीरियड कौन सा बोला है थर्ड सो इसका मतलब ये 3s2 क्या बनेगा 3p5 और उससे पहले आप चाहें तो लंबा रास्ता ले लीजिए 2p6 तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बनेगा 17 ओए देवांशी वेयर इज योर माइक टुडे डू यू पीपल अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू गो एज अ होमवर्क फॉर यू पीपल यस व्हाई डू एलिमेंट्स हैव इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों सेम Write the general configuration of S, P, D, and F block. Did we do it? Do you remember? F block was considered as an exception. याद है? Yes, sir. ये block में गलती हो गई है, उसको भी ठीक कर देता हूँ. D block में मैंने 0, 1, 0, 1 इसको ठीक कर देता हूँ ना. D block में क्या होता था? NS 1 to 2. Now it's okay. बेटा ये क्वेश्चंस प्लीज कर लेना ब्लॉक पी वाला नहीं आया कोई 7p क्या सिर्फ 7p अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ एलिमेंट जिसमें 7p हुए क्यों 7p वाले खूब सारे हैं तो हमारे पास पर सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं सर आगे सर मैंने सर कंफ्यूज कर दिया सकती हूँ दिस इज गोइंग टू गो एज अ होमवर्क फॉर यू पीपल NS2 NP4 तो फर्स्ट कैसे होगा इसका मतलब क्या होगा 3s2 3p4 तो उसकी पोजीशन मांग रहा है प्लीज डू इट एज अ होमवर्क दैट इज यू हैव टू डू इट ये और ये क्वेश्चन सेम ही है दोनों में कोई फर्क नहीं है n is equal to 6 इन द पीरियोडिक टेबल आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क यहां से अब आगे अभी नहीं चलेंगे ये आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा दिस विल बी अ वंडरफुल चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर होगा और छोटा होगा पीरियोडिक टेबल जो पीछे हम कर रहे थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुकाबले दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ छोटा टॉपिक आएगा बेटा ठीक है जी तो यहाँ पे रुकते हैं एंड सी यू अगेन कुछ पूछना चाहते हो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाउट था एक क्या सर उसकी एक बैक एक्सचेंज में क्वेश्चन है मेरे को कैसे पता उसके एक क्वेश्चन है फोन पे भेज के पता कर लेना ठीक है पहले सॉल्व करना फिर व्हाट्सएप पे भेज लेना कैसे उसके पीछे एक क्वेश्चन आने वाले यार कैसी बातें करता है राइट तो अनुमंच पे भेज देना फोन पे भेज देना बेटा सर ठीक है की प्रॉब्लम्स के लिए भी टाइम लगता है अभी तो आप इकट्ठे करो उसको है ना फिर ऐसे ही करेंगे उसको भी तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होगी चलो जी गुड लक एंड सी यू अगेन बेटे बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर
और मंडे को टेस्ट होगा, तैयार रहना सारे के सारे, संडे ठीक बोला है? था आपने। मंडे 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 को किया मैंने, वो प्लानिंग कुछ ऐसे चल रही है, मेरा प्रोग्रामिंग ऐसी चल रही है। ओके सर। मंडे, बाय बेटा, टेक थैंक केयर, यू सर। साइनिंग ऑफ बेटे, एंडिंग मीटिंग।